हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, खुशाम भी भली कार वेलकम। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, अमन शांति से होंगे और अपने अपने घरों पर महफूज होंगे और महदूद होंगे। दो हफ्ते का सिंध में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है और सख्त कर दिया गया है। ये आपकी मेरी हम सबकी भलाई के लिए किया गया है, क्योंकि लोगों की जान बचाना सबसे अव्वलीन तरजीह है। और इस तरीके का बेहतरीन शानदार खूबसूरत फैसला करने पर मैं CM सिंह को सलाम पेश करता हूँ। और जिन लोगों को ये फैसला समझ में नहीं आया है, अच्छा नहीं लगा, उनको मैं कहूँगा कि थोड़ी सी अक्ल इस्तेमाल करो। खुदा ना खासा कोई केसेस बढ़ जाते हैं हमारे मुल्क में ना, तो हमारा मुल्क इतनी आसानी से उसको संभाल नहीं पाएगा। अमेरिका की आप हालत देख सकते हैं, 28,000 से ज़्यादा लोग अमेरिका में मर चुके हैं और अमेरिका में 6,00,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त बीमार चल रहे हैं। 2,00,000 सिर्फ न्यूयॉर्क स्टेट में बीमार है, 10,000 से ज़्यादा लोग न्यूयॉर्क में मर चुके हैं। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके पास इसका कोई इलाज हो, कोई पक्की हो, कोई दवाई हो, सिवाय नॉर्थ कोरिया के। वो भी किम जोंग के पास उसकी गोली आती है, वो दूध के साथ भी नहीं देता, पानी के साथ भी नहीं देता, बंदा ठीक हो जाता है। ठीक है, देखिए समझे सूरत हाल को, हम एक दूसरे को जानते हैं, हम आवाम ऐसे हैं। अगर हम लोगों को इजाज़त दे देंगे ना कि कारोबार खोल लो, सब कुछ खोल लो, जाके दुकानें शॉपिंग मॉल्स, तो इस तरीके से रोडों पर हम निकल आएंगे पागल जानवरों की तरह। और खुदा ना खासा किसी एक दो बंदों को भी लग गया ना, तो ये आगे पीछे सब लोगों को बीमार कर देगा और आग की तरह फैलता है ये वायरस, सबको ही पता है। और देखिए जी, लॉकडाउन ही बेस्ट वे है टू प्रोटेक्ट एंड सेव लाइव्स, अंडरस्टैंड करें। देखिए जी, एहतियात इलाज से बेहतर है, खुदा ना खास्ता। अमेरिका में वेंटिलेटर्स की किल्लत हो गई है यार, पावरफुल मुल्क है, दुनिया का सुपर पावर मुल्क, तो ये हमारे आपकी हम सबकी भलाई के लिए है। और जो बात नहीं समझना चाहते हैं या जिनको बात समझ में नहीं आती, तो भाई उसका कोई इलाज नहीं है, यकीन करें। इस वायरस की तरह इसका कोई इलाज नहीं है जिसको बात समझ में नहीं आए। तो देखें जी, घरों में रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, महफूज रहें। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा कि खुश रहें, कितने मुस्कुराते रहें, सेफ रहें, सिक्योर रहें, महफूज रहें, महदूद रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बान माशाल्लाह बड़ा पान, ये मुश्किल हालात हैं, ये मुश्किल हालात भी इंशाल्लाह निकल जाएंगे, गुजर जाएंगे और सब खैर खैरियत हो जाएंगे। हमारा मुल्क और दुनिया भर से ये वायरस निकल जाएगा, दफा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से, उसके हबीब के सदके में। आमीन की सुआमीन। खुश रहें, कितने मुस्कुराते रहें। एक बार शो को मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिकदर हुस्नि व जमाली व कमाल। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह के बाद माशाल्लाह बड़ा पाक जनाब, बेतहा खैर।